गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। अपन ने देखा था कि हीट ट्रांसफर होने के थ्री मोड थे, कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अपन ने इनकी डेफिनेशन देखी थी और इनकी मैंने आपको एक एक एक्टिविटी भी बताई थी और आपको आपकी बुक से एक्टिविटी रीड करने के लिए दिया था। आई होप आपने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की एक्टिविटीज आपकी बुक से रीड कर ली होगी। अब अपन देखेंगे इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर कंडक्शन। देखिए, अपन जानते हैं कंडक्शन क्या है। कंडक्शन हीट ट्रांसफर की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हीट का ट्रांसफर है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बताया था कि जो आपकी मेम है जिनका बर्थडे है वो टॉफी कैसे देगी, वो एक बच्चे को दी, बोला तुम पीछे वालों को दो, तुम उसके पीछे वाले को, इस तरह से। तो जो हीट का ट्रांसफर है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में होता है कंडक्शन में, ये अपन ने पढ़ लिया। लेकिन हीट ट्रांसफर के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो देखिए। कंडीशन कंडक्शन की प्रोसेस में टू कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन क्या है देखिए, द टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वन अनदर। देखिए, कंडक्शन की सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिन दोनों ऑब्जेक्ट में अपन हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं सबसे पहले तो वो दोनों ऑब्जेक्ट के टच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों ऑब्जेक्ट टच में होना चाहिए, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। देखिए, आपने गैस जलाया और गैस के ऊपर आपने भगोनी रखी, तो भगोनी और गैस एक दूसरे के टच में आए ना, आए तभी तो पानी गर्म हुआ, भगोनी गर्म हुई, उसके अंदर आप चम्मच डालोगे तो चम्मच भी गर्म हो जाएगी। लेकिन बीरबल ने अपना थोड़ा माइंड लगाया और उसने क्या करा, बांस के ऊपर बेम्बो लटकाया, उसके ऊपर उसने वो चावल वाली जो कटोरी थी उसको एक कर दिया और नीचे आ गया। तो फायर और चावल, फायर और राइस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं थे इसलिए वो चावल पके नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंडक्शन की कंडीशन क्या होगी कि जिनमें अपने को हीट को ट्रांसफर करना है वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टच में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देखिए, द टेंपरेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। दूसरी बात, कंडक्शन के लिए दोनों ऑब्जेक्ट के आपस में टच होने के साथ साथ दोनों जो ऑब्जेक्ट है किसमें आप हीट का ट्रांसफर कर रहे हो और किससे कर रहे हो, दोनों ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों का टेंपरेचर एक ही होगा तो ही ट्रांसफर ही नहीं होगी। आपने क्या करा, भगोने को गैस के ऊपर तो रख दिया लेकिन गैस को ऑन ही नहीं किया, तो भगोने का और गैस का दोनों का टेंपरेचर भी इक्वल है तो कुछ ट्रांसफर ही नहीं होगा हीट का। तो हीट ट्रांसफर की कंडक्शन के लिए दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, दो इम्पोर्टेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन, दोनों ऑब्जेक्ट टच में होने चाहिए एक दूसरे के। दूसरी कंडीशन, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। अब देखिए, हीट के ट्रांसफर के बेस पर, हीट के ट्रांसफर के बेस पर जो कंडक्टर्स है इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हीट के कंडक्टर और हीट के बैक कंडक्टर। किसके ट्रांसफर के बेस पे? हीट के ट्रांसफर के बेस पे। हीट के ट्रांसफर के बेस पे ऑब्जेक्ट को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर और बेल कंडक्टर। जिनमें हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर, और जिनमें हीट आसानी से ट्रांसफर नहीं होती है उनको अपन बोलते हैं बेल कंडक्टर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर, हीट के ट्रांसफर की एप्लीकेशन गुड कंडक्टर। देखिए, सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर है मेटल। हीट की गुड कंडक्टर कौन है? मेटल। मेटल में आसानी से हीट ट्रांसफर हो जाती है, तभी तो आपने भगोनी को गैस पे चढ़ाया, भगोनी गर्म हो जाती, भगोनी मेटल की तो बनी। तो इस पे एप्लीकेशन देखिए, पहला, कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स सो दैट दे कैन इजीली अब्सॉर्ब हीट एंड ट्रांसफर इट टू फूड। जो मेटल है उसके बनाए जाते हैं, कौन बनाए जाते हैं? कुकिंग वेसल। जो कुकिंग वेसल है वो मेटल के बनाए जाते हैं क्योंकि मेटल है वो हीट की गुड कंडक्टर है, आसानी से हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है और खाने को गर्म कर देती है। दूसरा देखो, कूलिंग कॉइल्स ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर आर मेड ऑफ कॉपर, ठीक है। देखिए, जो फ्रिज और एसी होती है ना, एयर कंडीशनर, इनकी जो ठंडक करने वाली
कोई होती है कुलीन कोयल, वो कॉपर के वायर की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये हीट को आसानी से कंडक्ट कर देती है। थर्ड देखिए, मर्करी यूज इन थर्मोमीटर। मर्करी है वो थर्मोमीटर में यूज होती है। क्यों होती है? क्योंकि मर्करी है वो हीट की कंडक्टर है। नेक्स्ट देखिए, अगर बेड कंडक्टर होती तो वो जब आप टेम्परेचर मेजर करते तो अप एंड डाउन ही नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, कॉपर ट्यूब इज यूज इन द ऑटोमोबाइल रेडिएशन एज द इंसुलेटिंग हीट फ्रॉम हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम फ्रीजर। देखिए जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, गाड़ी, स्कूटर वगैरह, इनके अंदर कॉपर ट्यूब का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कॉपर ट्यूब इंजन से आने वाले गर्म पानी को आसानी से क्या कर लेती है, ले लेती है, किसी में ले लेती है। ठीक है, तो ये अपने गुड कंडक्टर के एप्लीकेशन हो गए हैं। यहाँ तक आपको बुक से रीडिंग लगानी है और ये वर्क साइंस के रजिस्टर में करना है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।